देखो गाइस, 2 दिन हो चुके हैं अभी तक हमारा फ्री फायर एयरटेल के सिम कार्ड से नहीं खुल रहा है। और आप लोगों को तो पता ही होगा, फ्री फायर अभी के टाइम पे एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर दोनों से ही रिमूव भी कर दिया गया है। देखो यार, एयरटेल पे कॉल करो तो एयरटेल वाले बोल रहे हैं कि फ्री फायर बैन हो चुका है। और उसी के साथ साथ माई एयरटेल ऐप के अंदर भी यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ चुका है कि फ्री फायर जो है बैन हो चुका है, इसलिए फ्री फायर नहीं चल रहा है। तो गाइस, क्या रियलिटी है वो मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पर गाइस, सबसे मेन टॉपिक पे भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, वो है गाइस फ्री फायर आईडी बैन। देखो गाइस, फ्री फायर ओपन नहीं हो रहा है तो काफी ज्यादा बंदे गलत तरीकों का यूज कर रहे हो। देखो, मैंने खुद एक बड़े यूट्यूबर की वीडियो देखी, उसने भी एक गलत तरीके को प्रमोट किया है जिससे आप लोगों का आईडी बैन होगा, 100% कंफर्म बैन होगा। देखो गाइस, मैं उस यूट्यूबर का नाम नहीं लूंगा, काफी बड़ा यूट्यूबर है, उसके लिए मेरे अंदर भी रिस्पेक्ट तब तक था जब तक वो अच्छे वीडियो डालता था, कॉमेडी करता था, अपने ऑडियंस को एंटरटेन करके चले आता था। बट गाइस, जब से उसने गलत चीज को प्रमोट करके अपनी ऑडियंस के साथ स्कैम किया, गाइस मैंने उस यूट्यूबर की वीडियो कल शाम को देखी तो उसने एक ट्रिक बताई जिससे आप लोग यार फ्री फायर ओपन कर सकते हो। तो उस ट्रिक में उसने प्रमोट किया था एक VPN को, जिससे उसने VPN वाले से तो पैसे लिए ही होंगे। तो गाइस, आप लोगों ने भी उसकी वीडियो देखी होगी, अगर आपने देखी होगी तो आप लोगों के मन में तो आया ही होगा कि चलो हम लोग भी VPN ला के गेम को ओपन कर लेते हैं। तो गाइस, जैसे ही आप लोगों ने कोई सा भी VPN डाउनलोड किया होगा, VPN को यूज करके गेम को ओपन किया होगा, तो आप लोगों का गेम तो ओपन हो गया होगा, ठीक है, अभी भी हो जाएगा अगर आप लोग VPN ला के गेम ओपन करोगे। बट गाइस, जो सच्चाई है मैं आप लोगों को बता दूं, वो सच्चाई है आप लोगों को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। VPN लगाने से आप लोगों का अकाउंट बैन होता है। देखो गाइस, VPN लगाने से होता यह है कि आप लोग बाहर के सर्वर में आ जाते हो, आप लोग बाहर का सर्वर शिफ्ट कर रहे हो VPN यूज करिए, एंड देन भाई आप लोग फ्री फायर में इंडियन सर्वर का आईडी खोल रहे हो। तो गाइस, इसका मतलब ये होता है कि आप बाहर के सर्वर से इंडिया सर्वर चला रहे हो। और गाइस, ये सब कुछ को हम लोग एबनॉर्मल एक्टिविटीज कहते हैं। और गाइस, एबनॉर्मल एक्टिविटीज से आप लोगों का अकाउंट बैन होता है। तो देखो गाइस, अभी जिसने भी VPN यूज कर लिया वो काफी डर रहा होगा, क्योंकि यार उसकी इतनी मेहनत, इतना बड़ा अकाउंट बैन हो जाएगा। तो मैं उसको बता दूं यार, इसका भी एक सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन ये है कि भाई अब VPN लगाना बंद कर दो। अगर तुमने 5, 6, 10 बार भी VPN लगा रखा है ना, पर एक ही दिन में लगा रखा तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो गाइस, सीधी साधी एक बात को अपने दिमाग में बैठा लो कि VPN लगाना बंद कर दो। अगर तुम लोग लगातार VPN को यूज करते रहे तो तुम्हारा अकाउंट डेफिनेटली बैन हो जाएगा। तो गाइस, अभी तुम लोग सोच रहे हो कि अगर VPN लगाने से गेम बैन हो जाता है तो हमारा तो गेम ओपन ही नहीं हो रहा, तो अब हम गेम खेलें कैसे? तो गाइस, चिंता मत करो, आप लोग एकदम करेक्ट वीडियो में आए हो। मैं हर वीडियो में प्रॉब्लम भी बताता हूं और इसका सॉल्यूशन भी बताता हूं। तो गाइस, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दो। भाई लोग, अगर आप लोगों को गेम ओपन करना है और वो भी बिना VPN को यूज करे, बिना किसी थर्ड पार्टी आपको यूज करे, बहुत ही सिंपल तरीका है, लीगल तरीका है। तो गाइस, आप लोगों को क्या करना है कि अपने पड़ोस में, अपने भाई लोगों के पास, जिसके पास भी जियो का सिम है उसके पास जाना है, उसका जियो का सिम का नेटवर्क ऑन करवाना है, हॉटस्पॉट ऑन करवाना है। आप लोगों को अपने डिवाइस को वाईफाई से कनेक्ट करके अपने अकाउंट को लॉग इन कर लेना है, बस लॉग इन करना है। जैसे ही आप लोगों के सामने ये वाला लॉबी का इंटरफेस आ जाता है जहां पे आप लोगों को अपना कैरेक्टर दिखता है, तो गाइस ये इंटरफेस आते ही आप लोगों को उसका हॉटस्पॉट ऑफ कर देना है, अपना इंटरनेट ऑन कर देना है, एयरटेल का सिम हो, कोई सा भी सिम हो, यहां से आप लोगों को गेम बहुत ही मस्त चलता हुआ मिल जाएगा। तो गाइस, काफी सिंपल ट्रिक है, काफी इजी ट्रिक है, इससे आप लोगों का अकाउंट भी बैन नहीं होगा और आप लोग इजीली यार गेम को ओपन भी कर लोगे। तो गाइस यार, आप लोग ये जो वीडियो स्क्रीन में देख रहे हो, इसमें मैंने आप लोगों को बता रखा है कि एयरटेल जो कंपनी है वो क्या रिस्पॉन्ड कर रही है अपनी कस्टमर केयर की कॉल का, और गाइस यार PM मोदी ने क्या बोल रखा है फ्री फायर बैन के ऊपर। तो गाइस, काफी तगड़ा वीडियो है, एक बार आप लोग इसको भी चेकआउट कर लो, आप लोगों को यार लिटरली काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।